महानगर में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झंडे की विक्रेताओं के चेहरे पर रौनक फीकी रही। बिक्री पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन का असर देखने को मिला। इस संबंध में दुकानदारों ने बताया कि पिछले वर्ष तिरंगे की बिक्री करके अच्छी खासी कमाई हुई थी, जबकि इस साल लॉकडाउन लगने की वजह से तिरंगा झंडे के खरीदारों में काफ़ी कमी आई है, जिसका पूरा असर व्यापार पर पड़ रहा है। और कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है कि सब लोग अपने घर पर रहकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाएं, जिससे बहुत से लोग अपने घरों से ही नहीं निकल रहे हैं और बिक्री नहीं हो पा रही है। और वहीं जो कुछ खरीदार दुकान पर आए थे, उनके चेहरे पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की खुशी देखने को मिली। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए खरीदार सीताराम मिश्रा और दुकानदार अभिषेक तिवारी ने कहा, सीताराम मिश्रा झंडा खरीदने आए हैं जी। 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए झंडा खरीदने आए हैं। क्या ठीक है, कोई अपील देशवासियों से, कैसे मनाए लोग, कोरोना काल भी चल रहा है, लॉकडाउन को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में भी झंडा फहराया जाएगा। अभिषेक तिवारी, अभी आप ये तिरंगा बेच रहे हैं जी, चल रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है? बिक्री का अभाव है इसमें, पिछले साल की तुलना में इस साल कितना क्या था? पिछले साल बहुत बिक्री हुई थी, इस साल बहुत कम है। क्या लग रहा है, शाम तक कितने बिक्री हो? शाम तक कोई 10-20 करीब हो जाए तो।